यार खुदा दा खौफ कर यार, एक बारी मैं तेरे कहने ते फाटक बंद किया, तू रोज का काम फड़ लिया। यार मैं की करा, तेरी बीवी बीमार है, मैं स्टेशन मास्टर हाँ, किन्नी कु वारी मैं फाटक बंद करने तेरी जगह जा के, मन नहीं पता उत्थे सवा पांच वाली ट्रेन ते फाटक बंद करना ही आके। मैं भी कह रहा उसकी ट्रेन क्यों नहीं आ रही, पटरी से है बैठे, मेरी ट्रेन लेट कराती, तुम इधर आवो इधर, हाली नहीं आ रही। ये बाबू जी दी ना लाइन चट चट के तरक्की हुई है। ये आम बंदा ना समझो, रेलवे च पागल बेस ते भर्ती होया है। हाँ जी, आप स्टेशन मास्टर हो क्या? मुझे ये बताओ कि अगर कोई बंदा जिसने कहीं ना जाना हो और वो प्लेटफॉर्म पे हो, उसे क्या करना चाहिए? उन्हें कितने ना कितने तो पहली गल जाना चाहिए। उसको कौन सी टिकट दे? आती ना ना करें, ये स्टेशन का मुंह खुला है तो अगले ने शर्म करनी चाहिए। नहीं, उसको टिकट कौन सी देते आप? प्लेटफॉर्म जी, जी, जी सर मैं बाहर जा रहा हाँ जी, मेरे ऑफिस आके मैं मिल। हाँ जी, तू भी मिल जी, अम्मा तू भी आके मिल, अपना अपना हिस्सा दो उसको। सत से पै रहे ने, लेला सिबा हो रहे हैं। हाँ जी, ओ फाटक क्यों नहीं बंद किया तू? अच्छा ट्रेन नहीं आई हाली, ओके चलो रे क्लाइंट आ रहा है, निकल आ दो इधर, वो आ जाओ अपने, आ जाओ खान साहब, ट्रेन साडा पीछा कर रही है। चार चुपेरे स्टेशन स्टेशन इधर आ मेरा पुत्र, अचानक बुला लिया मैनू है, मच्छर कलोनी से ले के स्टेशन तक पैसे लुटा रहा हूँ मैं। गुड ब्रदर, पैसे लुटा रहा हूँ मैं, ओ असली पैसे लुटा रहा हूँ मैं। ओ पुत्र तेरा ब्याह पुत्र, ओए मेरे पुत्र की शादी है, जहाज पे बरात ला रहा हूँ मैं, और दुल्हा पंजाब से है, अच्छा दुल्हन कराची से ला रहा हूँ मैं, उसके मामे का भी खर्चा उठा रहा हूँ मैं। मेरे प्यो दे पैसे ने अन्नी दे मजाक है, अब तू इतने क्यों लुटा इतने थले आ, जहाज की टिकट कराई नहीं, इतने लुटाई देना तू, अल्लाह तुहाड़े चेंज इतफाक रखे। अज जानू पुत्र, ए मां ते जंज तेरी जहाज से लिया मुंडा, मैं जहाज से व्याण गया कराची। अच्छा ज्यादती वाली गल ना, जहाज लैके जाना चाहिए सी, जिस तरह तेरे मुंह चो मज निकलिया ना, एक अद्धा सूहा जड़ा होर है तो पा। आपको बड़े भाई नहीं जी, मैं प्यो हां मुंडे दा, ये मेरी बहू है, ओ मेरी बेटी है नसीमा, ऐ मुंडे दा मामा जिहदा भांजे दे विआह ते टगारी लगी। मामा जी आप बैठे, इनका पागल पर खत्म फोड़ा, मेरे मेरी भैन दा तारफ नहीं कराया तुसी, नसीमा दा करा दे दित्ता तारफ, सदके जावां विआह ही बड़ी लगदी है मैनू। अब्बा जी मैंने आपको कहा था हम जहाज पे आए तो जहाज पे ही वापस जाएंगे, इसकी ख्वाहिश पे आपने किया है, आप हमेशा ये करते हो, उन दोनों की पहली शादी करा दी, क्यों मेरी भी करवाएं? क्यों ट्रेन के सफर से कंफर्टेबल नहीं है आप लोग? नहीं नहीं तो ना जहाज से 2.5 घंटे के बीच ला देंदा उठे जाके, पुत्र चले ही जाना, चले ही जाना, एक मौके रोज रोज आने, आज ऐसी खुशियां मना दिया जाना है। अच्छा ये आपकी पसंद की शादी है? नहीं जी अरेंज मैरिज है, 15 साल तो अरेंज हो रहा है। इत्तेशाम साहब एक बात बताइए कि इतनी देर से शादी करने का ख्याल क्यों आया आपको? यार तू कादले विच बोलदा पया है, तू मामा लगदा है जी, हिंदी फिल्मां च विनोद खन्ने दा डुप्लीकेट नहीं करदे इत्थे चपेड़ा पैणी होई, तुसी उत्थे नहीं हुंदे, तेरे पुत्र दा विआह मैं भावें ट्रेन ते खड़ा, मैं पैदल खड़ा, तू साडे विआह च लातड़ा ना लगाउणा। मैं ट्रेन की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूं कि इत्तेशाम जो है ना वो जरा बड़े लग रहे हैं दुल्हन से। तू जाल ते नहीं, इसमें जालियत वाली क्या बात है? इट्स 2023, ओह यस, तुम्हें लेट मैरिज कॉन्सेप्ट पर नहीं पता है जी?
जानू कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पढ़ी लिखी भी है ना नाल नसीमा पोता तो इनको खुशी नहीं भरा दे ब्याह दी अबा जी खुद ही खुशियां मनाए मैं मुझसे बात ना करें क्यों आप क्यों नाराज बीना जी नाराजी की बात कर रही है जहाज पे हम आए थे इतना अच्छा और जहाज पे जाना था इस भाभी की ख्वाहिश पे दो दिन में भाई इसकी जबान भी बोलना शुरू हो गए मुझसे बात ना करना अब जी नसीमा पोता तू वेरा खुशी दे मौके लाडा वाली थी यार मेरी एडी लायक बच्ची है स्कूल च बोरी रेस जीती मेरी थी इस उम्र में हाँ हाँ माशाल्लाह बाकी कुड़ियां तो इन्हीं ने नजर आ रही थी ना मेरी धी मैनू इत्थों नजर आई है खा तो वो तो शुक्र है किसी ने तो सूए ने सीर ही दी कनात मिल जाएगी कनात अबा जी आपने मुझे कहा था मैं जल्द तुम्हें प्यार दूंगा क्या मैं सारी जिंदगी शायरी करती रहूंगी आज तुझसे तेरे लहजे में बात करनी है आज शायद एहतराम ना रहे मेरी भैन दे ना शेर दा पंच लाइन कोई नहीं आंदी हां जी असि कराची भी बहुत जलील होए हैं दूल्हा साहब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ आपने दुल्हन में क्या देखा ये एक साल मेरे पुत्र दे रिश्ते में लेके खानदान च खेंचा तन चलती रही है हां जी हां ही नहीं सी करदा दुल्हन आपने इनमें क्या देखा मैंने इनमें तपते सहरा में चमकता हुआ चश्मा देखा हेलो मुंडा पानियों पानी करता पहली बार अच्छा यार मैं याद आया सुनया कि अपना साद रफीक साहब ने एक रैत दी रेलवे च अभी कि कोई भी फिक्का मरासी मुफ्त ट्रेन थले आके मर सकता है हां तैयार नहीं भाई अपनी नूह दी ते सुनो अच्छा तो आप बता रही थी और आपने क्या देखा इनमें गर्मियों की तेज दोपहर में घने दरख्त की छांव देखी अल्लाह खैर करे मैं ते अपने घर अमृता प्रीतम ते प्रवीण शाकरी ले चला क्या समझते हो मैं नहीं थे मैं आराम ना क्यों मुकाबला लांदी अपनी भरजाई दा हाय अब्बा जी देखे देखे पुत्र कोई ना कोई तेरे नसीब दा पागल मैं लाभ ही पैना है तुम्हारी वजह से हुआ है ये कभी मेरे पे हाथ नहीं उठाया उन्होंने आज मेरा हाथ पकड़ लिया मेरे भाई ने मैं एक बात बताऊंगा क्यों रो रही है आप दरमियान में छूट जाएं हां जी क्यों जी मैं क्यों उठ जावां हां गल पूछनी भाई साहब तानू एक हां जी ये फिल्म दामर और चिंगारी क्लब च मोहम्मद अली साहब दे पीछे तुसी नहीं से नाच रहे अब्बा जी ट्रेन दा पूछो अपनी आइटमा ना करो अच्छा खासा अब्बा जी अब जहाज पे आ जाते ये है ना तेरे भरा दा ब्याह है तू खुशियां मना हां ट्रेन ते 9 घंटे लेट ही है ना चले छोटी सी मनाऊंगी फिर मेरा दिल ये पुकारे आ जा मेरे गम के सहारे आ जा सारा डांस खराब कर दिया इसने एक मिनट बेटा चुप करो इन्हें क्या उन्होंने क्या है क्यों हो गया है क्यों आया कुछ गाना है गाने का शौक है अच्छा सच्ची सच्ची बताएं क्यों रो रही हैं आप मैं इनसे ज्यादा अच्छा गाना गाती हूँ तो गाओ ना तुसी गाओ इस बात रो रही मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा दिल का क्या करें साहिब हम उन्हीं पे मरते हैं तू नहीं तो ये रत ये हवा क्या करूं क्या करूं दूर तुझे से मैं नहीं के बता क्या करूं क्या करूं मैंने बाजी याद आ रही पीता है समा अब जाऊं मैं कहां बस इतना मुझे बस एडी करमा लीजिए अच्छा तेरे ने आए तुम्हारा साथ पार्टी नो दिया करा मैंने इंज लगता मैं मुंडा नहीं व्याह मैं मैजिक शो दा अरेंज कर एडवांस टिकटा बुक कराइया किथे मास्टर बूट रहे थदा कितनी देर तक आएगी ओ जी 9 घंटे लेट है गड्डी यार तू पहले दसना चाहिदा है ओ मेरे नाल ना गल कर स्टेशन मास्टर बुला किसे मां अपने बड्डे नु बुला अन्नी दे बच्चे ना हुन असि इथे बैठे रहना तन्नू मैं दस दे स्टेशन मास्टर साहब बड़े सख्त आदमी बुला स्टेशन मास्टर नु बुला बुला नु मास्टर साहब स्टेशन मास्टर आप आराम से बैठे आप ये सरकारी अहलकार यार तू पागल होया सारा खानदान इथे बैठा है नहीं नहीं आप अहलकारों पे ऐसा तो ना बुला जाके चल बुला जय गरम जय
लिया सारे चाय पीवा अंडे चाय गरम देसी अंडे खा फिर जा मेरे पास ना आओ चाय गरम ओए इधर आ इधर बंदे नहीं नजर आंडे तेरे इधर आ चाय गरम चाय गरम ये मेरे तो ज्यादा गरम नहीं होनी मैं तुम दस तेनू किन्ने दसिया मेरा बहनोई टुंडा ओदे मुंह वालू कर रहे हैं तू है कौन डड्डू जे पैर च पाके फिरी जाना है गरम अंडे चाय गरम ओ चाय खवा प्या इथे पैसे सारे नु मैं देने अब्बा जी पहले ट्रेन दा पता कर लो अंडे ना खवाना कितने का अंडा है एक 150 150 रुपए का अंडा कुकड़ी सामने दंदी ये ब्रायलर अंडे की प्राइस है ईजन बहुत ज्यादा है महंगा है महंगा जी बहुत ज्यादा ए हो जा बंदा गल करदा करदा लम्मे भी पै जांदा दा बात ये है दरअसल मेरी बात कभी आ गई अद्धे घंटे बाद गड्डी आ जाएगी मैं सारी फैमिली ना वैन तुहाडी ना मेरी शादी हुई है अद्धे घंटे बाद माल गड्डी आ रही है अच्छा तुम अपना जा कि रहे हो जनाब असि पंजाब जा रहे हैं मेरी सिस्टर की छोटी पिशौर तक ठीक ने ना तुसी वेखी ट्रेन नहीं सर तुसी पढ़े लिखे लगते हो ये ट्रेन कितने जमीन दोस्त तो नहीं निकल जाती लंघ गई लंघ दी नहीं की आंदी